नमस्कार साथियों, हनुमान चालीसा पर हमारे जो श्रृंखला चल रही है उसके आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बर ने रघुबर विमल दसु जोदाय कुफलचारी। श्री राम के यश का वर्णन करना आसान काम नहीं है। उसमें एक तो गुरु चरणों की कृपा की पूर्व शर्त है और उसकी दूसरी शर्त उस श्री गुरु के चरण रज से अपने मन दर्पण को सुधारना है। उसके बाद ही श्री राम के धर्म अर्थ काम मोक्ष फल देने वाले विमल यश का वर्णन किया जा सकता है। मन में अस्वच्छता हो, अविद्या हो, ईर्ष्या हो, महामोह हो, अज्ञान हो तो ऐसा यश वर्णन संभव नहीं है। मन में अर्थ दूषण, असूया, पारुष्य, पिशुनता, द्रोह, ईर्ष्या, वाग्दंड और साहस के मनु द्वारा गिनाए गए 8 अवगुण हो तो भी यह कार्य नहीं हो सकता। निज मन मुकुर का सुधरना किसी अंतः प्रज्ञा का जागरण है, कोई स्वदर्शन है, कोई आत्म साक्षात्कार है, कोई आत्मानुभूति है। श्री गुरु के आशीर्वाद से ही यह आत्मबोध तुलसी को हुआ है। श्री गुरु तुलसी को सिर्फ वेदज्ञ ही नहीं बनाए हैं, वे उन्हें तत्ववेत्ता भी बनाए हैं। उनसे अस्तित्व बोध भी हुआ है और परमार्थ ज्ञान भी मिला है तुलसी को। उनसे वे शिश्रुत भी हुए हैं और पराविद्या भी प्राप्त की है। मन तो चंचल था, लोभी, लालची भी, दुर्निग्रही भी। मन में धर्मानुचिंतन की अनुरतता नहीं थी, वह तल्लीनता नहीं थी। जब पूरे मनोयोग से काम किया जाए तभी वो यश वर्णन संभव है। कोई पशु बलि हो देकर वो नहीं होता, कोई टोना टोटका कर, किसी अभिमंत्रण से, किसी मंत्र तंत्र से भी वो नहीं होता। वह षडामना या षड शास्त्रों के अध्ययन से भी नहीं होता। असल बात जो तुलसी कह रहे हैं कि मन के परिष्कार की आवश्यकता है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी यही कहते थे कि मन में न जाने कितने जन्मों का कचरा भरा हुआ है। राधेश्याम सरस्वती उस कचरे को काई कहते थे। मन दर्पण काई लगी, नहीं दर्शत है ज्ञान, जैसे धन की ओट में छुपा रहत है भान। संत तुकाराम मन के इस मैलेपन पर बहुत से अभंग लिखे हैं। उनके एक अभंग में वे कहते हैं, काय धोबिले कादड़े, काल कट भीतर बड़े। यानी मन ही यदि मैला है तो तन के कपड़े धोने से क्या लाभ। फिर आगे बढ़कर वे यहां तक भी कहते हैं एक अभंग में कि यदि मन मैला है तो काशी में गंगा स्नान से भी क्या लाभ। काय काशी करित गंगा, भीतर चंगा ना ही तो। इसलिए स्कंद पुराण में शिव पार्वती संवाद के रूप में जो गुरु गीता कही गई उसमें गुरु के निवास स्थान को ही काशी क्षेत्र कहा गया और गुरु के पादोदक को ही गंगा कहा गया। काशी क्षेत्रम निवासश्य जानवी चरणोदकम। मन में मैल की बात कबीर ने भी की थी, क्या घट ऊपर मंजन कीजे भीतर मैल अपारा। उन्होंने भी यही कहा था कि मन का मैल छाण दे बौरे। तुलसीदास वही बात स्वयं पर ढाल कर कहते हैं। स्वयं को एक उदाहरण या दृष्टांत की तरह पेश नहीं करते हुए बस अपने अनुभव की बात बहुत विनम्र और बहुत मीठे तरह से करते हैं। कबीर सीधे डांट लगा देते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। दादू भी कह देते हैं, दादू पानी धो बावरे मन का मैल न जाए, मन निर्मल तब होगा जब हरि के गुण गाए। अब यहां एक अच्छा द्वंद्व पैदा होता है। रघुबर के विमल यश का गुणगान करने से पहले तुलसी तो कहते हैं कि मन दर्पण को स्वच्छ करना जरूरी है, जबकि दादू के हिसाब से मन का दर्पण तभी शुद्ध होगा, मन का मैल तभी जाएगा जब हरि का गुणगान होगा। तुलसी अपने लेखक के सामने एक तपहपूत हृदय की शर्त रखते हैं। लेखन से पूर्व की इतनी बड़ी कसौटी, इतना कठोर निकष तुलसी ने स्वयं के लिए प्रस्तावित किया। राइटिंग स्किल्स की आज बहुत बड़ी बातें की जाती हैं। तुलसी सिर्फ एक अर्हता बताते हैं, एक क्वालिफिकेशन, मन की स्वच्छता, मनस्विता। वेद में यही प्रार्थना तो की गई थी, आतु एतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्च सूर्यम दर्शे। यानी ज्ञान, बल, जीवन और सूर्य दर्शन के लिए प्रवृत्त होने वाला मन होना चाहिए। तुलसी की कसौटी पर यदि लेखन होता तो क्या लेखन हो भी पाता। आज चार्ल्स बोदलेयर, स्विनबर्न, जॉन जेनेट, जैक लंदन, मालकम ब्राली, एडवर्ड बंकर जैसे लोग पाप और अपराध की खाइयों में उतरते हैं और उन अनुभवों, अंतर्दृष्टियों, निरीक्षण की बारीकियों के साथ लिखते हैं जो उन्हें उनके उस अनैतिक कदाचरण से मिली। तो ये दिलचस्प ध्रुवीयताएं हैं। तरफ तो दादू हैं, दूसरी तरफ तुलसी हैं, दो ध्रुव वो हैं, और एक तरफ तुलसी हैं और दूसरी तरफ ये सारे पश्चिमी लेखक जिनका मैंने उल्लेख किया वो भी हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि मन स्वस्थ हो तो लेखन होगा
या लेखन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा। शायद इसी कारण कोई एब्सोल्यूट बात तुलसी भी नहीं कहते। वे अभिव्यक्ति पे कोई मॉरल सेंसरशिप स्थापित थोड़ी करना चाह रहे हैं। वे तो अपनी कहानी कह रहे हैं, कोई सामान्यकृत बात नहीं कह रहे। उन्होंने खुद की लेखकीय तैयारी के लिए कुछ कड़े मानदंड रखे थे। वे शतपथ ब्राह्मण के उस वाक्य को मानते रहे होंगे, वाग वाई मनसो ऋषि यस्य परिमितिर मेव हि मनः परमित रेव हि वाक। यानी वाक या वाणी मन से छोटी है, मन अपरिमित है, वाणी परिमित है, इसलिए वाणी के वर्णन से पूर्व मन के सुधार की बात तुलसी कहते हैं। छांद्योगोपनिषद में भी यही कहा गया कि मनो वाव वाचो भूय, यानी मन ही वाणी से उत्कृष्ट है और यदि नहीं है तो उसे बनाया जाएगा, श्री गुरु के चरणों की कृपा से बनाया जाएगा। तुलसी का लेखन 500 साल बाद भी बना हुआ है तो इसीलिए कि उन्होंने अपने सामने ये बड़ी चुनौती रखी थी और अपने मन के कीचड़ को साफ करके ही यह हिम्मत की थी कि वे रघुवर के विमल यश का गान करें। गुरु ने ही उन्हें इस हेतु मार्ग निर्देशित किया था। गुरु गीता में यही कहा गया था ना कि शोषण पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेज सह गुरौ पादोदकम सम्यक संसार अर्णव तारकम। यानी श्री गुरु का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोधक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। गुरु गीता कहती भी थी, गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धि तो कार्येत, कि गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए, तभी जाकर उस अवस्था तक पहुंचा जा सकेगा जिसे उसी गुरु गीता ने स्फटिक मणि में स्फटिक मणि का और दर्पण में दर्पण का दिखना कहा है। स्फटिके स्फाटिकम रूपम दर्पणे दर्पणो यथा। तो मन मुकुर की, मन दर्पण की वही वास्तविक स्वच्छता है जो तुलसी अपने लेखन कर्म का निकष या कसौटी बनाते हैं। प्रणाम। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।